हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। और मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा, और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक्सेल के अंदर हम जो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट सेल का यूज़ किस तरह, सेल में फॉर्मेट का यूज़ किस तरीके से करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोस को देखकर कुछ और नई चीज़ें एक्सेल के अंदर सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक कि रिबन्स के अंदर, होम रिबन्स के अंदर जो हमारा ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर जो रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम वाइड, ऑटो फिट कॉलम वाइड, डिफॉल्ट और हाइड अनहाइड, सीट नेम, ये सारी चीज़ें किस तरीके से यूज़ होती हैं फॉर्मेट में, ये एक्सेल में, ये आज हम सीखेंगे। सॉरी, एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको हम सीखेंगे। ठीक है, हम लोग सीट नंबर 21 पर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीट का नंबर लिखा हुआ है, सीट 21 है ये। ठीक है, इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं। इसको सीखने के लिए मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स या कुछ भी प्रोडक्ट नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ऐसे ही एक आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रोडक्ट नेम में यहाँ कंप्यूटर, सॉरी, यहाँ हमने लिख लिया कंप्यूटर, माउस और स्पीकर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट नेम लिख रखे हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई, विजुअल रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कंप्यूटर, माउस और स्पीकर कुछ लिख रखे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब हम आते हैं यहाँ पर होम वाले रिबन में। सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट पाते हैं, फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है वह है रो हाइट का। दोस्तों, रो हाइट क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो रो हमारा क्या है, जैसे हमने ये जो बॉक्स है, जैसे हम ये क्लिक कर रहे हैं, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे रो हैं सारे। ठीक, और ये जो है हमारा कंप्लीट, जैसे बी है, सी है, डी है, ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रो हाइट क्या होता है कि जैसे हमने कहीं भी बॉक्स में कहीं भी क्लिक किया है, इस जगह कहीं पर भी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लिक करने वाला जो हमारा ये साइज है, सबके जो हाइट है, इस रो की हाइट जो है सबकी, जैसे इसकी हाइट कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, सबकी ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि इसकी जो रो हाइट है वो कितनी है। जैसे मैंने यहाँ पर रो पे क्लिक किया है यहाँ, और मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ रो हाइट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मेट रो हाइट पे क्लिक किया तो यहाँ रो हाइट का एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें रो हाइट यहाँ दिखा रहा है कि कितना है, 15 है इसका रो हाइट का जो साइज है, कितना है, 15 है। अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं फॉर्मेट पे जाकर रो हाइट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ भी साइज देखेंगे इसका कितना है, 15 है। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे रो हाइट, जो रो हैं इनकी जो हाइट है, जो ये रो है हमारे, ये जो हमारे रो होते हैं ये सारे, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे रो हैं, ठीक है, ऐसे, तो मैं चाहता हूँ इन सबकी जो रो की हाइट है वो 25, 26, 30 हो जाए। तो मैं कहीं भी किसी भी एक रो में क्लिक करूंगा और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके रो हाइट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मान लीजिए मुझे 25 चाहिए रो हाइट, मैं ओके करता हूँ। देखिए, जो इसकी रो हाइट है, जो हमारा ये रो है पूरा, ये देख रहे हैं सबका जो साइज है वो कितना हो गया, 25 हो गया, जितना हमने किया था। बाकी जो है हमारी सबकी रो हाइट कितनी है, 15 है। आप यहाँ से रो हाइट यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करके, इस तरीके से रो हाइट हमारा बढ़ जाएगा, और यहाँ से भी इस तरीके से जो है हमारा वो नॉर्मल साइज कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब जैसे हमने ये बढ़ा लिया, अब हमें और बड़ा करना है तो हम दोबारा रो हाइट पे जाएंगे, जितना भी साइज हमें रो हाइट के चाहिए होगा हम यहाँ 50 लिख के ओके कर देंगे, तो इसका साइज 50 हो जाएगा। अगेन अब हमें क्या करना है कि नहीं, हमें इतना नहीं करना, हमारी जो हाइट है वो हमें इक्वल रखनी है, जितनी हमारी बाकी रोज हैं जिनकी हाइट है इसकी भी उतनी हो जाए, तो हम दोबारा इस रो पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ हमें ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखिए, जैसे हमने क्लिक किया तो जो रो की जो हाइट है वो जितनी बाकी सब रो की हाइट है उन सबके इक्वल हो गई है। तो ये दोस्तों हमारा काम था रो हाइट का। अब आते हैं हम, अगला हमारा है यहाँ पर कॉलम वाइड। कॉलम वाइड्स का भी सेम वही चीज है। कॉलम्स क्या होते हैं मैंने बताया था आपको, कॉलम्स हमारे ये होते हैं जी एच आई, जो ये पूरा है ये हमारा कंप्लीट कॉलम्स होता है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ कॉलम्स पे क्लिक किया, और कॉलम्स का जो ये साइज है इस तरीके से जो वाइड है वो कितना है, इसके लिए फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ कॉलम वाइड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि जो कॉलम का वाइड है वो कितना है, 8.43 कॉलम का वाइड है। अगर हम चाहते हैं कॉलम का जो ये साइज है वो थोड़ा सा और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो मैं इसको क्या करूंगा, 8.3 को इसको काट के कितना बढ़ाना है मैं यहाँ पर उसका नंबर लेगा, मान लीजिए मुझे 20 करना है साइज, तो मैं ओके करूंगा और आप देखेंगे जो इसका साइज है कितना हो गया, 20 बड़ा हो गया जो कॉलम का साइज है।
ठीक है। बाकी का जो साइज है वो सेम उतना ही है, 8.43 जितना था पहले, आप चेक कर सकते हैं अपने एक्स में, एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ कह रहा है ऑटो फीड कॉलम वाइड, मतलब जो हमने साइज बड़ा कर रखा है अगर हमें नहीं करना है तो जितने हमारे ये हैं सबको सेम रखना है। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम बाइट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ जैसे था मेरा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखा है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका लिख लेता हूँ रेट, और यहाँ पर मैं मान लो इसकी लिख लेता हूँ क्वांटिटी, या फिर ये रेट तक ही रहने देते हैं, आपको समझाने के लिए इतना काफी है। रेट लिख लिया और यहाँ मैं कुछ अमाउंट दे देता हूँ, इसको मैंने ये अमाउंट दे दिया, इसको मैंने ये अमाउंट दे दिया, और ये ठीक है। ये देखिए जो हमने प्रोडक्ट नेम लिखा है इसके इसके हिसाब से हमने यहाँ रेट नहीं दिया, ये मैंने अपने आप कुछ भी एक रेट दे दिया। ठीक है, और अब मैं इन दोनों का ऐसे सिलेक्ट करके और इनका जो साइज है वो इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ, बढ़ गया। अब आप देख रहे हैं जो साइज है इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो इस कॉलम्स के अंदर चला गया है, इस कॉलम के एफ वाला जो कॉलम है इसके अंदर घुस गया है, और यहां से जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेलिंग पूरी नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि जो हमारे बाकी के कॉलम्स है वो तो ऐसे ही रहे, जितना इनका साइज है वैसे ही रहे, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस ना आए, लेकिन जो हमारा ये जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट लिख रखा है और जिसके अंदर हमने रेट लिख रखा है, जो इसका जो साइज है ये दोनों क्या हो जाए, अपने आप एडजस्ट हो जाए, हम ऑटो एडजस्ट इसे कर लें, हमें यहाँ पर डबल क्लिक करके एडजस्ट ना करना पड़े, हम इसको डायरेक्ट करें। तो हम इसे यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ ऑटो फिट कॉलम बाई डेज पे हम क्लिक कर देंगे ऐसे नॉर्मली। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया जो हमारे बाहर जो दूसरे ये कॉलम्स हैं इनका साइज है जैसा है वैसा ही है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट नेम और रेट है इसका जो साइज है वो इस तरीके से क्या हो गया, इक्वल हो गया, ऑटो फिट हो गया। ठीक है, हम इसका साइज जो है छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आप देख रहे हैं जो इसकी चौड़ाई है अभी भी वो क्या है, उस तरीके से बड़ी है। तो हम दोबारा यहाँ ऑटो फिट पर जाएंगे और यहाँ ऑटो फिट कॉलम बाइट पर क्लिक करेंगे, और देखिए ये अपने आप क्या करेगा, इसको एडजस्ट कर लेगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा है एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया दोनों के ऑटो फिट और ये क्या होते हैं। अब होता है हमारा डिफॉल्ट वाइड। डिफॉल्ट वाइड क्या करता है दोस्तों, कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा साइज है ये अलग है, ये से अलग सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक्सेल के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट नेम वाला जो कॉलम्स है जितना इसका साइज है उतना ही साइज हमारे बाकी सारे कॉलमों का हो जाए। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ पर डिफॉल्ट वाइड पर क्लिक कर देंगे ऐसे जनरली, और यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है स्टैंडर्ड कॉलम वाइड इतना है, और मैं ऐसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस मेरी नहीं हो रही, नहीं हो रही है। तो अब देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ, क्लिक किया हमने कुछ भी यहाँ पर हम चेंजेस किया और यहाँ ओके किया सेम कॉलम वाइड पर, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस हमारे नहीं हुए। अब हम चाहते हैं कि जो इनका जो साइज है वो तो ऐसे ही रहे, लेकिन जो बाकी हमारे इधर के कॉलम्स हैं, जो ये कॉलम्स हैं, इन सब का साइज अलग है, तो हमें यहाँ से हटकर हमें कहीं दूसरे कॉलम्स के एक रो में कहीं भी क्लिक करना होगा और फॉर्मेट में जाके डिफॉल्ट वाइड पर क्लिक करना होगा। डिफॉल्ट वाइड पर क्लिक करने के बाद ये हमें दिखा रहा है कि जो इनका चौड़ाई है, जो इनका स्पेस है वो 8.43 है। ठीक है, डिफॉल्ट वाइड क्या होता है दोस्तों, कि हमें अलग अलग हर कॉलम्स को साइज नहीं देना पड़ेगा, हमें एक ही बार हमें बोलना है कि जो हमारा कॉलम्स है उसे हम 25 साइज देना चाहते हैं, कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉलम वाइड है वो हमारा 25 हो जाए। तो आप देखेंगे ई को एफ को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे कॉलम है सबका साइज इक्वल हो जाएगा। देखिए सबके साइज के अंदर देखिए 25 जो साइज है वो क्या हो गया, इंक्लूड हो गया इधर। आप जितने देखेंगे लास्ट तक हमारा जो पूरा कॉलम्स है सबका साइज 25 हो गया जो हमने दिया है। देखिए दोस्तों अब हम चाहते हैं कि नहीं 25 ना हो, जितना हमारा था उतना ही दोबारा हो जाए, तो दोबारा हम डिफॉल्ट वाइड पे जाएंगे और यहाँ 25 लिखा आ रहा है, इसको हम 8.43 कर देंगे जितना था और इसे ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं सबका जो साइज है वो 8.43 यहाँ पर हो गया है। दोबारा से हम अपने यहाँ पर आते हैं, ठीक है सबका साइज सेम हो गया, डिफॉल्ट हो गया है। अब उसके बाद हमारा दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइट एंड अनहाइड, और आप देख रहे हैं यहाँ हाइड एंड हाइड पे जाने के बाद यहाँ एक बटन है और इस बटन के नीचे लिखा है हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, और यहाँ लिखा है अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम और अनहाइड सीट, मतलब हाइड रो क्या होता है और हाइड कॉलम क्या है और हाइड सीट। सबसे पहले हम हाइड करना सीखते हैं। देखिए हाइड रो क्या है हमारा, कि जैसे कि हमारे ये रोज हैं जो भी हमने ये रो में लिखे हुए हैं, हमने प्रोडक्ट नेम, कंप्यूटर, माउस और स्पीकर, आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट नेम है वो 3 नंबर से स्टार्ट है, हमारे 3 नंबर रो से स्टार्ट है और ई ब्लॉक ई वाला जो कॉलम है इसके अंदर लिखा हुआ है, और 3 से हमारा कहाँ तक लिखा हुआ है, हमारा ये 6 नंबर रो तक हमारा ये लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि 3 से 6 नंबर तक का जो रो है ये हमारा हाइड हो जाए, मतलब दिखाई ना दे।
ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर 1 2 लिखा है और 2 के बाद सीधा 7 लिखा आएगा, कि उसे 3 4 5 6 जो रो हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे हाइट हो जाएंगे। यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, हाइट पे क्लिक किया और हाइट रो पे क्लिक कर दिया मैंने। देखिए मैंने हाइट रो पे जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरा 1 2 लिखा है, उसका 7 आ गया, कि उसे इसके नीचे जो हमारा 3 4 5 6 जो था वो क्या हो गया, हमारा जो रो है वो हाइट हो गया है। अब हमें उस रो का हमें क्या करना है, मान लीजिए अनहाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम इसको यहीं क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइट पे क्लिक करेंगे और यहां लिखा है अनहाइड रो, आपको अनहाइड रो पे यहां पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हमने अनहाइड रो पे यहां क्लिक किया, हमारा कुछ भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा, कुछ भी यहां पर नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं इसको दोबारा से यही, तो आपने देखा यहां पर हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अब हम इस सिंगल्स, हमने पहले क्या कहता है सिंगल्स रो सिलेक्ट कर रखे थे इसलिए नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच की जो हमारे रोज हैं वो किसके अंदर हाइड हुए, 2 और 7 के बीच के जो नंबर हैं इसके बीच में हमारा जो रो है वो हाइड हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा यहां से 2 और 7 नंबर के दोनों के बीच के रो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ फॉर्मेट पे जाऊंगा, हाइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ अनहाइड रो पे क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने अनहाइड रो पे क्लिक किया, जो मेरे रो हाइड हुए थे वो यहाँ पर हमारे विजुअल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है कॉलम्स हाइट। कॉलम्स हमारे कौन से होते हैं, ये मान लीजिए मुझे ये दोनों कॉलम्स हाइड करने, प्रोडक्ट नेम और ये रेट वाला जो कॉलम्स है इन्हें हाइड करना है, तो मैं अगेन फॉर्मेट पे जाऊंगा, हाइट पे क्लिक करूंगा और हाइट कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा और देखो आप यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स है वो हाइड हो गया है। अनहाइड करना है तो अगेन इस पे जाना है आपको, यहीं सेलेक्ट करके इसको अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करना है, अनहाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने प्रोडक्ट नेम लिखा है या रेट लिखा है इन्हीं को हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, आप खाली जो आपके कॉलम्स है इनको भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सी से लेकर जे तक के जो कॉलम्स है इनको हाइड या रो सॉरी जो कॉलम्स है उन्हें हाइड करना है, तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से हम हाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखिए बी के बाद सीधा के आ गया, सी और जे के बीच के जो भी हमारे कॉलम्स है वो हमारे हाइड हो गए हैं, हम क्लिक करके हम इसको यहां से अनहाइड कॉलम्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहां तक समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा है हाइड सीट, जो हमारी सीट है उसी को हमें हाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, इसे कर्सर को कहीं भी क्लिक करके रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट पे जाओ सिंपल और यहाँ हाइट पे जाके यहाँ पर हाइट सीट पे आप क्लिक कर दोगे, तो आप देखोगे ये जो सीट हमारी कौन सी है 21 है, सीट नंबर 21 है, ये जो सीट नंबर 21 है हमारी यहाँ से हाइट हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हाइट सीट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ से जो मेरी 21 नंबर की जो सीट थी उसके आगे वो जो मेरी सीट है वो क्या हो गई है, यहाँ से हाइट हो गई, ये विजुअल नहीं है। अब मुझे अपनी सीट दोबारा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगेन फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और यहां जाकर और मैं से अनहाइड सीट पे यहां क्लिक कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा लिखा हुआ कि सीट नंबर 20 और सीट नंबर 21, तो आपको कौन सी सीट जो है वो अनहाइड करनी है, तो हमारी जो कौन सी सीट थी 21 वाली थी, तो हम इसे 21 पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे, तो देखिए जो हमारी 21 वाली नंबर वाली जो सीट थी वो क्या हो गई, यहाँ पर अनहाइड हो गई है, हमें विजुअल यहाँ पर हो गया है। इससे पहले एक 20 नंबर वाली सीट थी उसे भी अनहाइड करना है, तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से अनहाइड सीट पे क्लिक करेंगे और 20 पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे 21 और 20 दोनों ही सीट हमारी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ओके अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये सीट नंबर 21 है, अगर हमें इसका नेम चेंज करना है, इसका नेम चेंज करके हमें मान लीजिए फॉर्मेट लिखना है, तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे और आप देखेंगे जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है रिनेम सीट, रिनेम सीट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये जो मेरी सीट है यहां पर ये ब्लिंग होने लगेगा कि मुझे ये क्या करना है, यहां से कैंसिल करना है और उसकी जगह नाम चेंज करना है, तो मैं रिनेम पे क्लिक किया, मैंने देखिए यहां पर ये सिलेक्ट हो गया मेरा सीट 21, इसको मैं बैक स्पेस से हटा के और यहां मैं नाम लिख लेता हूं फॉर्मेट, इस सीट का नाम मैंने क्या दे दिया फॉर्मेट दे दिया, मैं अंदर कहीं भी क्लिक कर लेता हूं, देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर रिनेम सीट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ रहा है मूव और कॉपी सीट, जो हमारी सीट्स है उसको कॉपी करना है मूव करना है उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ मूव और कॉपी सीट में यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक जैसे ही मैंने किया आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मूव और कॉपी का सिलेक्शन जो है यहाँ पर ओपन हो गया है, डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर कॉपी करना है तो आप क्रिएट यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे और अगर आपको मूव करना है तो आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ देखिए मूव सिलेक्शन सीट है, यहाँ पर लिखा है टू बुक, हमारे जो सीट का नेम है YouTube, यहाँ पर YouTube लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं बिफोर सीट, बिफोर सीट का मतलब जो भी हमने ये सीट्स बना रखी हैं उन सीट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं इस तरीके से। अब ये पूछता है कि जो हमारी ये फॉर्मेट वाली सीट है वो इनमें से कौन सी सीट के पास मूव करनी है, तो मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है
आप देख रहे हैं यहां लिखा है स्टॉक मेंटेन और यहां लिखा है फ्रीज अनफ्रीज। तो मैं यहां फ्रीज और अनफ्रीज पे क्लिक करता हूं। मैं यहां से गया और मैंने यहां फ्रीज और अनफ्रीज पे क्लिक किया। मैं चाहता हूं कि जो मेरी ये फॉर्मेट वाली सीट है वो फ्रीज और अनफ्रीज के आगे, मतलब स्टॉक मेंटेन के बीच में और अनफ्रीज और इसके पीछे आ जाए, मूव हो जाए। तो मैं यहाँ ओके करूंगा और आप देखेंगे कि जो मेरी फॉर्मेट वाली सीट है वो फ्रीज अनफ्रीज और स्टॉक मेंटेन के बीच में यहाँ पर मूव होकर आ गई है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों आप इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी जो ये सीट है फॉर्मेट वाली, अगर आपको एक और कॉपी करना है तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे और अपनी सीट पर जो भी आपकी सीट थी, ठीक है, उस सीट को आपको कॉपी करना है। तो हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया, फॉर्मेट वाली जो सीट है इसे कॉपी करना है। तो यहाँ से मैं इसे ओके, जस्ट ओके कर दूंगा यहाँ पे। और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहा है फॉर्मेट और यहाँ पर देखिए कॉपी हो गया, यहाँ पर आ गया फॉर्मेट टू। मतलब पहली सीट हमारी ये थी और ये कॉपी हो गया, यहाँ पर फॉर्मेट टू आ गया, मतलब ये वाली जो सीट है हमारी ये यहाँ से कॉपी हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो होता है टैब को कलर करने के लिए होता है। आपको अगर कोई टैब जो है उसे कलर करना है तो आप यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ क्लिक किया, इसको भी कलर करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ टैब पे जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से कलर पे चूज करके यहाँ कलर कर सकते हैं अपने टैब को। जैसा भी आपका टैब है उसको कलर करना है वो यहाँ से आप ईजिली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा आपका। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर ये विजुअल दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट जो है वो क्या काम करती है, प्रोटेक्ट सीट का काम क्या है इसके अंदर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस पूरे रोज के अंदर मैं कहीं भी कुछ भी लिखना चाहूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा राम तो ये इजिली लिख रहा है। अब मैं इसे डिलीट करना है तो मैं इसे सिंपल यहां से डिलीट भी कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी रो है ये सबके सब विजुअल रहे, दिखाई दे, लेकिन इसके अंदर हम कुछ भी लिख ना सके और काट ना सके, ना तो ये कुछ कटे और ना ही इसके अंदर कुछ लिखे, सिर्फ विजुअल रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे प्रोटेक्ट सीट का इस तरीके से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट लिखा है। यहां पर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है, जैसे मैंने 123 डाल दिया यहाँ और यहाँ ओके कर दिया। और यहां पर कह रहा है री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, हमें प्रोसीड करने के लिए वो पासवर्ड दोबारा डालना है जो पहले डाला था। मैंने अगेन 123 डाल गया और यहाँ ओके कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयर फॉर रीड ओनली। ठीक है, जो हमारा जो ये सेल और जो हमारा ये सेल है, ये जो रो है, ये सबके सब क्या हो गए हैं, प्रोटेक्ट हो गए हैं। दैट मीन्स इसके अंदर लॉक लग गया है, जो भी हमने पासवर्ड लगाया है इसको सिर्फ हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि हमने इसमें क्या कर रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट नेम और ये है, माउस से ये सबको पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अंदर ना तो आप कुछ लिख सकते हो ना ही आप देखिए इसके अंदर कुछ डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको दोबारा लिखने और डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कहीं भी क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा। दोबारा से आप देख रहे हैं अनप्रोटेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसे अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करके सेम अपना वही पासवर्ड डालूंगा जो मैंने डाला था। मैंने 1234 दोबारा डाला और इसे ओके कर दिया। अब देखिए मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट इसे इजीली कर सकता हूँ। देखिए डिलीट हो गया, मुझे लाना है। ठीक है, इस तरीके से मुझे कुछ और लिखना है नंबर तो मैं यहाँ से इस तरीके से लिख सकता हूँ। आई होप दोस्तों कि आपको सेल्स के अंदर जो ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन है ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि इनका यूज किस तरीके से होता है और कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें अपने डाउट्स को। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखकर कुछ और नई चीज़ें एक्सेल के अंदर सीख सकेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ।